भाजपा नेता का है पार्टी जिंदाबाद। तो पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा 145 करोड़ जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि देश में जो आज आमन चैन भाईचारा का माहौल खराब किया गया भाजपा के द्वारा, हम लोग तो राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, महात्मा गांधी के सिपाही हैं, हम लोग बाबा राम भीम अम्बेडकर संविधान में चलने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं गोडसे के पे चलने वाले लोग हैं। वैसे लोगों से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के कहने पर हम लोगों ने जमशेदपुर में 17 नंबर ऑफिस में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चाय दुकान खोल दी है, और आज रात भर यहाँ पर चाय भी फ्री में बटेगा और लड्डू भी फ्री में बटेगा। जो भी आएगा ये लड्डू और चाय पिएगा, और जो भूखा आएगा तो खाना भी खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि आज मोदी और अमित शाह के मुंह में तमाचा लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि इस देश में संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश 140 करोड़ जनता का देश है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल गांधी जी को जो गुजरात की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने जो 2 साल का सजा दिया था, उस सजा को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संसदीय बहाल किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम लोग हर जगह जगह नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, जिसको जो करना उखाड़ना उखाड़ दे, हमें तो मोहब्बत दुकान खोल कर रहेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है, सत्यमेव जयते, सत्य की आज जीत हुई है, विश्वास की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, कानून व्यवस्था की जीत हुई है। और जिस तरह राहुल गांधी जी ने बोला था कि मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं हूँ, और सत्य बोलने के लिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, और हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की सदस्यता जो रद्द हुई थी फिर से बहाल कर दिया गया है, और हमारा नेता राहुल गांधी जी फिर से पार्लियामेंट में दहाड़ेंगे और फिर से पूरा सत्ता पक्ष आंखों में आंखें डालकर सवाल करेंगे, और सवाल वही रहेगा, मोदी जी अडानी से आपका रिश्ता क्या है। ये है हमारे देश के नेता राहुल गांधी, जो सत्य पर और अहिंसा पर विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास की आज जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। फिर से मैं देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और हम जनता की लड़ाई राहुल गांधी के साथ ऐसे ही मिलकर पूरी कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर संसद से लेकर सदन तक और सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे देश की जनता के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। देखिए, लोकतंत्र की जीत है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये साबित कर दिया है कि देश में सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि अमित शाह और मोदी इन्हें ऐसा लगता है कि देश के रहनुमा हैं, लेकिन आज हमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो काम किया है वो बधाई के पात्र है, और हृदय से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये युवा दिलों के सम्राट हर दिल अजीज राहुल गांधी जी के सदस्यता को इन्होंने रद्द कराकर इन्हें लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे शख्सियत है कि आप उनकी सदस्यता तो छीन ले सकते हो, लेकिन वो रोड से लड़ाई लड़ेंगे जो सदन की आवाज को में गूंजेगा। और दूसरी बात है कि आज मोदी जी को ये समझने की आवश्यकता है कि आज वो हार चुके हैं और वो हारे हुए खिलाड़ी हैं, और आज उन्होंने मुंह के बल गिरे हैं, और हम सभी देश की जनता और कांग्रेस पार्टी उन्हें उठाकर देख रहे हैं कि उनके मुंह के अंदर जो 32 दांत है वो बचा है कि नहीं बचा। और हम बहुत दयालु हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर वो मुंह के बल गिरे हैं, उनका दांत भी कुछ टूटेगा, तो हम लोग चंदा करके उनकी दांत को भी बनवाने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र की जीत है, और ज्यादा नहीं, मैं अपनी बात को सत्यमेव जयते करके खत्म करूंगा। धन्यवाद। जाति में मतभेद करवा के राहुल गांधी को डेमोलाइज करने की कोशिश किए थे, आज सत्यमेव जयते की जीत हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी के पीछे लोग हाथ धो के हर केस मुकदमे में फंसा के उनको रोक रहे थे 2024 का इलेक्शन के लिए, वो आज जीत हुई है, और आज आने वाले दिन में हक, क्योंकि राहुल गांधी हक और हुकूम की लड़ाई लड़ते हैं,
अभी सभी गरीब और गरीबों के मसीहा हैं, देश की उन्नति और तरक्की के लिए उनकी जीत हुई है, क्योंकि सबकी दुआएं लग लगी है, दुआएं काम आई है यहाँ पे। इसीलिए राहुल गांधी को हम लोग आज इतने खुशी है, पूरा शहर पूरा देश प्रफुल्लित है, और इसी के साथ हम लोग उनकी लड़ाई के साथ लड़ते लड़ते जीत हुई है, इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। जय हिंद, जय भारत।